बोला नेगेटिव है, बोले हाँ बिल्कुल नेगेटिव है, बोला लेट्स डू इट। तो जब उन्होंने ट्रायल कराई, कॉस्ट्यूम ये सब दिया, तो मैंने बोला नाम क्या है कैरेक्टर का, टोल्ड मी टशन एंड टशन साउंड्स रियली गुड। सो मैंने बोला सर इसको आप रख कैसे रहे हैं, क्या बोलना है, बोले कुछ भी हिंदी में बोलेंगे। मैंने नहीं, टशन को हरियाणवी रखते हैं, लेट्स डू दिस। तो देवांशु सिंह मेरे डायरेक्टर थे, चिंटू के बर्थडे से मैं उनका फैन था, मैंने बोला टशन को थोड़ा हरियाणवी रखते हैं, डायलेक्ट रखते हैं, ताकि स्टैंड आउट करेगा वो दूसरों से। तो वहाँ से टशन सिंह मिला, और पिछले साल ध्वनि की एक फिल्म बन रही थी, एंड आई वाज फैन ऑफ लक्ष्मण सर एंड आई गॉट पार्ट टू बी द कॉमिक विलन। तब शानदार के एग्जैक्ट 10 साल बाद मैंने एक कॉमेडी फिल्म की, इसके बीच में कोई कॉमेडी फिल्म में कॉमेडी रोल नहीं कर पाया, बट आई थिंक वो 10 साल का वो एक सर्कल होता है, तो मैंने वापस उस सर्कल जिया। जब हम आपको कैरेक्टर प्ले करते हुए देख रहे थे, तब मैंने आपके कमेंट सेक्शन में देखा कि आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रेजेंबल कर रहा है विद खिलजी एंड रॉकी रंधावा, सो इट वाज रियली गुड टू सी यू। तो आपने क्या प्रेप किया था फॉर दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर, की वही से आपकी इंस्पिरेशन थी कि आपने कुछ और आपके माइंड में था? लेकिन रणवीर सिंह तो सबकी इंस्पिरेशन है, आई थिंक द वे ही प्लेड खिलजी, आई डोंट थिंक एनी अदर एक्टर कैन प्ले दैट। तो वो अपने जोन में चले गए थे, मेरे लिए सिर्फ वो था कि मुझे खिलजी का लुक उठाना है, बट मुझे खिलजी का डायलेक्ट नहीं उठाना है, और इतना नेगेटिव नहीं उठाना है। दिस गाय स्टार ऑल्सो, लोग उसको पसंद भी करते हैं, बट वो न्यू कमर्स को नहीं आने देता है। तो वहाँ से मैंने सिर्फ उसका लुक उठाया, थोड़ी हेयर स्टाइल चुराई, थोड़ी दाढ़ी हम सब की सेम ही होती है, तो वो उड़ाया एंड आई वाज ऑन सेट। फिर मैंने उसको टशन सिंह में बदल दिया। हम जब बात करते हैं एक कैरेक्टर प्ले करने की, तो लोगों को बहुत ऐसा रहता है कि हमें एक प्रोमिनेंट पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करना है, बट वेयर एज यू प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यू नेल्ड इट। तो क्या आपके दिमाग में ऐसे कुछ कभी थॉट्स आए कि व्हाई नेगेटिव कैरेक्टर? आई यूजुअली से नो टू पॉजिटिव कैरेक्टर्स, आई फील देयर इज नो होप इन पॉजिटिव कैरेक्टर्स। क्या होगा, आपकी पत्नी से आपको प्यार होगा, आपकी गर्लफ्रेंड से आपको प्यार होगा, आपका बच्चा आपको छोड़ के चला जाएगा, बट नेगेटिव में देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। आई थिंक यू गेट टू डाई, आप अलग अलग तरीके से मरते हो, आप अलग अलग तरीके से मार खाते हो, आप अलग अलग गाड़ियों में घूमते हो, आप हीरोइन को ज़बरदस्ती ले जाते हो, देयर इज लेयरिंग इन द कैरेक्टर्स। सो नेगेटिव करने में मज़ा आता है, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कैरेक्टर में हल्का सा ग्रे शेड हो, बाकी मज़ा नहीं आता है नॉर्मल करने में। आपके जितने हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखे, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, कॉमेडी, ड्रामा, अभी हम देखे यू नो अ नेगेटिव कैरेक्टर, सो व्हाट यू प्रेफर मोस्ट? आई प्रेफर, देखिए मेरा जोन जो है, मुझे बेसिकली पसंद है कॉमेडी, विच इज़ वेरी हार्ड टू डू, थिन लाइन होती है कॉमेडी में, अगर आप थोड़ा सा भी ओवर कर दिए तो कॉमेडी ओवर हो जाएगी, फिल्म नहीं चलेगी, आपकी बर्बादी होगी, कैरेक्टर को मजाक उड़ाया जाएगा। सो मैं मोस्टली कॉमेडी प्रेफर करता हूँ, बट अगर फ्लैम बॉयश नेगेटिव बंदा मिले तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी किसको नहीं पसंद है डूड प्ले करना, एक सुपरस्टार प्ले करना। जब आप सेट पे भी सुपरस्टार प्ले कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट रिस्पेक्ट मिलती है, डिफरेंट लोग भी आते हैं, लाइक आई वाज शूटिंग जुड़वा 2 विद वरुण धवन इन लंदन, तो हम जब कॉलेज में शूट कर रहे थे तो पूरा टाइम यही था कि आई हैड टू बीट वरुण एंड मुझे उसको टीज करना था, मुझे छेड़ना था, उसकी रैगिंग करनी थी। तो जब मैं कॉलेज में काम कर रहा था तो वो जो जूनियर्स थे सारे, उनको लगा वाह हु इज दिस गाय जो ये कर रहा है, अच्छे कपड़े अच्छे ये, मैंने उनको बताया ही इज द मेन गाय, आई एम द विलन। सो दिस इज हाउ यू फील गुड ऑन द सेट। जैसे आपने बोला कि कॉमेडी इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, तो अगर आपको कभी एक रोल ऑफर होता है तो कौन से डायरेक्टर से आप चाहते हो कि आप ऑफर हो? मैंने मेरे फेवरेट डायरेक्टर के साथ ऑलरेडी 2 फिल्में कर ली, उनसे बड़ा कॉमेडी डायरेक्टर कोई है ही नहीं, डेविड धवन द नंबर 1 डायरेक्टर ऑफ कॉमेडी। जब भी वो नेक्स्ट फिल्म बनाएंगे तब वो मुझे बिल्कुल फ़ोन करेंगे, उन्होंने बोल दिया है। बट उनके अलावा मेरे एक फेवरेट डायरेक्टर कॉमेडी में वो है प्रियदर्शन। प्रियदर्शन सर जब बॉलीवुड में वापस फिल्म बनाने लगेंगे, आई वुड लव टू बी ए पार्ट ऑफ व्हाट एवर इज मेकिंग। अभी तो आपने एक डिफरेंट कैरेक्टर ऐसे प्ले कर लिए, अब क्या नया आपके पास है जो हम आपको देख सकते हैं? देखिए 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, द न्यू यू कैन सी मी इन जियो सिनेमाज इक्रू, मिथिला पालकर उसमें लीड है, आई प्ले द नेगेटिव गाय,
अजीत सिंह नाम है, इट्स अ रेप रिवेंज ड्रामा प्रोड्यूस बाय अली अब्बास जाफर। उनकी फिल्में हमेशा अच्छी होती है, सेंसिबल फिल्में होती है, बहुत सीरियस फिल्म होती है। तो आप मुझे अगले 2 महीनों में वहाँ देख सकते हैं और अगले साल ईद में। आपने एक बहुत बड़ा हिंट हमें दे दिया कि अगले साल ईद में, और जब हम ईद की बात करते तब ऑटोमेटिकली हम हमारे दिमाग में सलमान खान आ जाते हैं। हाँ। तो इज देयर अ कनेक्शन कि शायद वो हो सकता है, वो कोलैबोरेशन हम देख सकते हैं बिग स्क्रीन पे? आई कैन नॉट स्पीक अबाउट राइट नाउ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है कि आई कैन नॉट एक्चुअली टॉक अबाउट दिस, बट एक बड़ी चीज आ रही है राइट। लास्टली हमने आपको बहुत वर्सेटाइल डायलैक्ट्स भी प्ले करते हुए देखा है, सो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर यू टू चेंज योर डायलैक्ट? बिकॉज कैरेक्टर में आना, लुक करना, इट इज़ डिफरेंट, बट जब आप एक डायलैक्ट पकड़ते हो और वो पोर्ट्रे करते हो तब वो ऑडियंस को छूता है। सो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू? देखिए, एक हिंदी बोलना होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो कोई डायलॉग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इट्स वेरी ईजी टू स्पीक। मैंने जो 10 साल आज तक किया वो हिंदी बोल के एक्टिंग की है। मैं सोचा इससे इम्प्रेस नहीं हो रहे, अब मैंने उंगली को टेढ़ा कर दिया, नाउ आई स्पीक हरियाणवी, पंजाबी, तेलुगू, सिंधी, तो मैंने बहुत सी लैंग्वेज सीख ली। अब मैं कैरेक्टर्स उठाने लगा हूँ, बिकॉज देखिए आपको सीधी चीज़ दिखेगी ना आपको पसंद नहीं आएगी, इफ़ यू सी समथिंग डिफरेंट आप उसको फॉलो करोगे। तो मैं हर रोल में एक डायलेक्ट या कुछ भी टेढ़ा रखा है ताकि उसको देखें लोग। सो लास्टली हम बस इतना ही बोलेंगे कि वी आर रियली वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑन बिग स्क्रीन्स। जो आपने हिंट ड्रॉप किया है कि हम आपको ईद में देखेंगे, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू। अच्छा, ये ईद पे ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना?